राशन की दुकान में गेहूं, चावल, नमक के अलावा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इसी माह से मसूर दाल का वितरण शुरू किया, लेकिन योजना को पलीता लगाना भी शुरू हो गया, जिसके तहत गरीबों को मिलने वाली मसूर उनको देने की जगह कालाबाजारी करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन जब मामला मुखबिर के माध्यम से पुलिस व प्रशासन के पास पहुंचा तो दोनों ने संयुक्त रूप से लसुटिया महाराज गांव में दबिश दी और 50 बोरी मसूर एवं अनेक वारदान भी जब्त कर लिए गए। बारवा गांव में सोसाइटी का संचालन सुरेश रघुवंशी के पास है और बारवा के अलावा लसुड़िया महाराज सोसाइटी भी सुरेश के पास ही है। ऐसे में बारवा गांव में ग्रामीणों को मसूर का वितरण कम करते हुए इसे लसुड़िया महाराज गांव में रख लिया गया। सोसाइटी की जगह यह मसूर खुद के कुएं के पास बने मकान में खाली किया गया और उनके वारदान दूसरे कमरे में रखे सोयाबीन में दबा दिए, ताकि कोई यह न समझ पाए कि जो मसूर कमरे में वह सरकारी है। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती और तहसीलदार ने पूरे चेकिंग करते हुए सोयाबीन में से वारदान भी निकाले और कमरे में रखी मसूर को उन्हीं वारदानों में भरते हुए जमा कर लिया गया। पंचनामा बनाकर सारी जब्ती भी की गई। कदे धरी पाया? अब आज ही धरी होगी, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ हाँ। सुरेश कौन? दांगी सुरेश रघुवंशी। सुरेश कौन जाते है? कहीं जाते है? रघुवंशी कहीं काम करे बाबू? अब काम कहीं करे, खेती है थोड़ी बहुत, जा करे सेल्समैन है। सेल्समैन है? गांव चावल बांटे। कौन सी सोसाइटी में सेल्समैन है? अब यो नहीं पता मो खरका की मैं या की मैं आखिर में नाम नहीं जानू। एक ही चाबी के ना करे थोड़ी। देखिए, अभी शाम को ये जानकारी में आया कि लसुड़ली महाराज में एक घर में कुछ मसूर रखी हुई है जो शायद किसी सोसाइटी की है। तो जांच के लिए हम यहाँ पे आए। टीआई साहब मलावर भी मेरे साथ हैं और अन्य स्टाफ भी मेरे साथ है। जांच में हमने पाया कि ये लसुड़ली महाराज में रामनारायण जी का मकान है, जो काम चल रहा है, पूरी तरह बना भी नहीं है। इसमें लगभग 25 क्विंटल मसूर खुले में रखी हुई पाई गई एक कमरे में। तो अभी मौके से उसको जाँच के लिए जब्त कर लिया गया है। जैसे ही इसकी जाँच होगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो मसूर है ये निजी है या सोसाइटी से बिकने के लिए आई है। अभी ये मामला स्पष्ट नहीं है कि ये मसूर किसकी है, अभी जांच होना बाकी है। हाँ, जांच होना बाकी है, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी ये मसूर जब्त कर ली गई है, ताकि ये खुड़बुड़ ना हो जाए, इसलिए इसको जब्त कर लिया गया है। जब्त करके कहाँ पहुँचेंगे? अभी जब्त करके थाना प्रभारी मलावर के सुपुर्द कर दिया गया है और जांच उपरांत जैसी कार्रवाई होनी होगी जांच उपरांत की जाएगी।